नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा और मैं आपके साथ आपका अपना मित्र करण सिंह। दोस्तों, कोरोना महामारी विश्व के अंदर फैली हुई है। अब इस महामारी ने एक भ्रष्टाचार का रूप भी ले लिया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज होते थे, उनको आइसोलेट किया जाता था, उनकी रिपोर्ट आती थी और उसका ट्रीटमेंट किया जाता था। अब इस कोरोना को डॉक्टरों ने, लेबोरेटरी वालों ने धंधा बना लिया है। हम आपको एक ऐसा ही ऑडियो सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसमें एक व्यक्ति कहता हुआ नजर आ रहा है कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव कर दी जाएगी, जिसके लिए 3,000 रुपए लगेंगे। लेकिन संक्रमित व्यक्ति उनको 500 से 700 रुपए का हवाला देता सुनाई दे रहा है। वो कह रहा है कि वो लेबोरेटरी वाला तो 700 रुपए में ही पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव बना कर देता है। तो सुनिए ये ऑडियो और फिर हम चर्चा करेंगे कैसे भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? आप डर जाएंगे, अपने परिवार से दूरी बनाने लगेंगे। लेकिन उसी रिपोर्ट को कोई निगेटिव बना दे तो आपको कैसा लगेगा? दोनों ही मामलों में ये खतरनाक है। अगर आप निगेटिव हैं और आपको पॉजिटिव कर दिया जाए तो आप परेशान हो जाएंगे, और पॉजिटिव हैं, निगेटिव कर दिया जाए तो आप अपनों के लिए ही खतरा बन जाएंगे। लेकिन फरीदाबाद में पॉजिटिव से निगेटिव बनाने का काला कारोबार जोरों पर है। भैया, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, फिर अब तो फिर रिपोर्ट लेने का फायदा क्या है? अगर आपको अर्जेंट जाना तो बताओ फिर। अरे उससे वैसे ही करवा दो, नेगेटिव पॉजिटिव है, इसका कोई चक्कर ही नहीं है। मैं तो कहीं गया भी नहीं, पिछले 20 दिन से तो मैं घर पे हूँ। या तो फिर पॉजिटिव ही रहूंगा फिर तो मैं अगले 20-25 दिन और। तो 15 दिन, फिर 17 दिन आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। क्यों? जो लड़का टेस्ट सैंपल ले रहा है ना वो, तो सैंपल ले रहा है वो, उसके हाथ में है रिपोर्ट देना। अभी तो वो लिखी नहीं है अभी रिपोर्ट ना, रजिस्टर में एंट्री नहीं करवाई अभी। तो आप वो नेगेटिव की दे सकता है? नहीं दे सकता। दे सकता उसके, फिर वो खर्चा मांग रहा फिर उसका। हाँ तो खर्चा दे देंगे, कितना खर्चा चाहिए उसे? 3,000 रुपए मांग रहा जी। 3,000 रुपए? मेरे पास एक और बंदा था, वो कह रहा था भाई साहब 700 रुपए मुझे दे देना और आप बस आ जाओ और चले जाओ, मैं अपने आप कर लूंगा। हाँ उनके हाथ में रहता है ना, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। देखो उसी के हाथ में एक बंदा, मैंने बात कर की थी बीके में, वो तो मैं आपको उससे करवा दूंगा। वो तो कह रहा था कि मतलब आप बस आके चले जाओ और मेरे से रिपोर्ट ले जाना, कुछ नहीं करना आपको। हाँ कुछ नहीं करना। हाँ वो कह रहा था कि और वो देख लो कोई नहीं। और बाकी आप हॉस्पिटल में हो अभी? मैं तो वहीं पे हूँ। अगर वो तो 700 तो वही मांग रहा था, अगर ये 500 रुपए माने तो मैं इसको अभी दे दूंगा 500 रुपए और मेरी करवा दो, ना तो फिर उसी से करवाऊंगा। अच्छा चलो मैं कहता हूँ, क्योंकि जिस टाइम हम वहाँ करवा रहे हैं ना, वहाँ तो हम कम से कम 20-25 बंदों का करवा चुके हैं, तो वो तो 500 रुपए में मान जाएगा। अब इसका मुझे पता नहीं है कि ये कौन है, क्या है, आपका क्या सिस्टम है, तो इससे बात नहीं, वो LT है ना, तो आप बात कर लो, 500 रुपए दे दूंगा मैं इसे, और अगर अभी बात करके मुझे बता देना मैं दे दूंगा। ठीक है ना, बात करके एक बार मुझे बता दो आप। तो दोस्तों, आपने ये ऑडियो सुना और एक संक्रमित व्यक्ति लेबोरेटरी वाले से सौदा करता हुआ सुनाई दे रहा है। लेबोरेटरी वाला बोल रहा है कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव कर दी जाएगी, आप सिर्फ 3,000 रुपये दे दीजिए। लेकिन संक्रमित व्यक्ति उसको 700 रुपये में नेगेटिव करवाने के लिए कह रहा है। ये बहुत ही बड़ी लापरवाही है। अगर आप संक्रमित हैं तो ये आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं, नेगेटिव हैं, अगर आपको पॉजिटिव बनाया जा रहा है तो आपके मानसिक रूप से आप पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये एक बहुत ही खतरनाक धंधा है जो डॉक्टरों ने अपनाया हुआ है। अगर व्यक्ति सुरक्षित है, नेगेटिव है, अगर उसको पॉजिटिव बता दिया जाता है तो उसके मानसिक शरीर पर कितना गहरा असर पड़ेगा, उसके परिवार पर कितना गहरा असर पड़ेगा। अगर दूसरी तरफ कोई पॉजिटिव व्यक्ति है और उसको नेगेटिव बना दिया जाता है
तो उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सिर्फ उसके परिवार के लिए ही नहीं दोस्तों, पूरे समाज के लिए खतरा है। अगर वो संक्रमित व्यक्ति खुले में घूम रहा है तो उसके आसपास आने वाले सभी व्यक्ति संक्रमित हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा घोटाला कहें, धंधा कहें, भ्रष्टाचार कहें, तो इसको आप कोई भी रूप दे सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और तब तक आप देखते रहिए रियल न्यूज़ हरियाणा।